ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। श्री चैतन्यचरितामृत मध्य लीला चैप्टर 21 व्यास संख्या 58। अनंत ब्रह्मांडे रयत ब्रह्मा रुद्रगण चिर लोकपाल शब्दे ताहर गणन। वास्तव में ब्रह्मांडों की वास्तविक संख्या का पता लगाना बड़ा कठिन है। प्रत्येक ब्रह्मांड के अपने अपने ब्रह्मा शिव हैं जो चिर लोकपाल कहलाते हैं, इसलिए इनकी भी कोई गिनती नहीं है। तो समझने की बात है कि हम लोग कई बार शिव ब्रह्मा इत्यादि को भगवान मान लेते हैं, वास्तव में इनकी कोई गणना ही नहीं है। ये इतनी संख्या में है, इतनी संख्या में है। हम जानते हैं कि भगवान एक है और वो अनंत रूपों में विभाजित होते हैं, लेकिन वो एक ही बने रहते हैं, सर्व कारण कारण गोविंद। तो अनेक ब्रह्मांडों के स्रोत, अनेक जीवात्माओं के स्रोत, जिसमें कि देवी देवता भी आ गए, आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत के स्रोत, सारी वस्तुओं के कॉज स्रोत, वो एक कृष्ण है। लेकिन वास्तव में ब्रह्मा और शिव की गणना ही नहीं कर सकते, वो इतने हैं, क्योंकि हर ब्रह्मांड में अपने ब्रह्मा अपने शिव हैं। चिर लोकपाल, चिरन मतलब इटर्नल, एक तरह से लोकपाल हैं, पालक हैं, उनको स्पेशल ड्यूटीज दी गई हैं लोगों को चलाने के लिए। तो ब्रह्मा और शिव को चिर लोकपाल अर्थात स्थायी राज्यपाल कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि वे सृष्टि के आदि स्थान तक ब्रह्मांड के कार्यकलापों का निरीक्षण करते हैं। हो सकता है कि अगली सृष्टि में यही जीव विद्यमान ना हो, किंतु ब्रह्मा और शिव आदि से अंत तक रहेंगे, इसलिए वे चिर लोकपाल अर्थात स्थायी शासनकर्ता कहलाते हैं। जब तक वो ब्रह्मांड रहेगा तब तक वो रहेंगे। और आप जानते हैं ब्रह्मांड कब तक रहेगा? ब्रह्मांड तो रहेगा पूरा, ब्रह्मा जी की आयु समझ लीजिए जब तक रहेगी, तो ब्रह्मांड तो बहुत ही लंबा चलेगा। हम लोग उसमें आते जाते रहेंगे, कई बार बीच में हम लोग निकल के भगवान के धाम में भी जा सकते हैं, लेकिन ये लोग बने रहेंगे, इनको ऐसी सेवा मिली हुई है। लोकपाल का अर्थ है अधिष्ठाता देव, प्रमुख स्वर्ग लोगों के 8 लोकपाल हैं। इनके नाम है इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, नेत्रिति, वायु, कुबेर तथा शिव। एक दिन द्वार काते कृष्ण देखी बारे, ब्रह्मा आइला द्वार पाल जनाइल कृष्ण रे। तो ये कथा हम सुन रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, बड़ी रोचक कथा, जिससे पता चलता है कि ब्रह्मा जी की क्या स्थिति है, भगवान की क्या स्थिति है। तो एक बार द्वारका में जो है, जब कृष्ण राज्य कर रहे थे, तब ब्रह्मा जी उन्हें मिलने के लिए आए और द्वारपाल ने उन्हें तुरंत ही कृष्ण को ब्रह्मा जी के आगमन की जानकारी दे दी। द्वारपाल ने बताया कि ब्रह्मा जी आए हैं दरवाजे पर। कृष्ण कहें कौन ब्रह्मा की नाम कहाँ द्वारी आसी ब्रह्मा रे पूछे यार बार। जब कृष्ण को बताया गया तो उन्होंने तुरंत द्वारपाल से पूछा कौन से ब्रह्मा, उनका नाम क्या है। तो आप कहेंगे ब्रह्मा ही तो नाम है, और क्या नाम है। नहीं, ये इस तरह से हो गया कि कोई प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं मतलब अपने कैबिन में, उसके बाहर में एक व्यक्ति आए, बोली जी साहब को कि चीफ मिनिस्टर आए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेगा, चीफ मिनिस्टर आए हैं, मतलब कहाँ के चीफ मिनिस्टर आए हैं, नाम क्या है उनका। तो ब्रह्मा जो है नाम नहीं है, ब्रह्मा पोजिशन है, यानी कि उस एक किसी एक ब्रह्मांड का हेड आया है। अब कौन से ब्रह्मांड का हेड आया है, नाम बताते तो समझ में आता, अच्छा 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 तुम आए हो। तो पूछा कि कौन से, द्वारपाल वापस आ गया। द्वारपाल ने ब्रह्मा जी से पूछा, पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है, कौन से ब्रह्मा है आप, कौन से लोक के ब्रह्मा है। तो इस श्लोक से हमें पता चला कि ब्रह्मा का एक एक पद का नाम है, और उस पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति का भी एक नाम होता है। भगवद्गीता में कहा गया कि इमं विवस्वते योगम, विवस्वान नाम है सूर्य ग्रह के वर्तमान अधिष्ठाता देव का। तो सूर्य देव, सूर्य क्या है, एक पोजीशन है, सूर्य देव का नाम है विवस्वान। हाँ, जो भगवान गीता में बोलते हैं, कई बार लोग सूर्य की पूजा या सूर्य को जल या इत्यादि काम करते हैं, लेकिन वास्तव में सूर्य देव का नाम विवस्वान है, और भगवान के बड़े अच्छे भक्त हैं। गीता में भगवान बोलते हैं कि मैंने ये ज्ञान पहले विवस्वान को दिया, उन्होंने अपने पुत्र को दिया, मनु को दिया, उन्होंने इक्ष्वाकु को दिया। तो सामान्यतः सूर्यदेव कहलाता है, लेकिन उसका अपना विशेष नाम है। किसी राज्य का गवर्नर सामान्यतः उसको राज्यपाल कहते हैं, लेकिन उसका व्यक्तिगत नाम तो होता ही है। जैसे हम कहते हैं कि भगवान कहने से क्या होगा, भगवान का नाम भी तो है कृष्ण गोविंद, क्योंकि विभिन्न नामों वाले लाखों ब्रह्मा हैं। अगर कृष्ण ने जानना चाहा कि कौन से ब्रह्मा मिलने आए, विस्मित है या ब्रह्मा द्वारी के कहिला, कह गिया सनक पिता चतुर्मुख अइला।
तब द्वारपाल ने पूछा कि कौन से ब्रह्मा आए, तो ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्यचकित आश्चर्य हुआ। अब क्योंकि देखिए हमारा विजन कई बार बड़ा लिमिटेड होता है, जितनी हमारी बुद्धि है। जैसे हम कहते हैं कुएं का मेंढक, प्रभुपाद स्टोरी सुनाते थे ना कि समुद्र का एक मेंढक कुएं में गिर गया। अब कुएं का मेंढक उसने पूछ लगा जी कहाँ से आए हो, उन्हें समुद्र से आए हैं। उसने कहा समुद्र से आए हो, ये क्या चीज़ होती है, अब समुद्र बहुत सारा पानी का जगह है। तो उसने बोला कि कितना, मतलब इस कुएं का आधा पानी, आधा मान लें, कुएं का एक चौथाई मान लें, नहीं कुएं से बहुत बड़ा। अरे तो कुएं से कितना बड़ा, इस दो कुएं जैसा, तीन कुएं जैसा, क्योंकि उसका रेफरेंस कुआं ही है, उसने कुआं ही समझा है, इसलिए कुएं के माध्यम से ही समझ सकता है कि कितना बड़ा समुद्र होगा। बताइए समुद्र, बताइए कितने कुओं को बराबर समुद्र को माना जाए। तो हमारा जो नॉलेज है बड़ी लिमिटेड है, इसलिए अनलिमिटेड को हम समझ नहीं सकते अपनी बुद्धि से। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या मतलब, कौन सा ब्रह्म, क्या कोई और ब्रह्म भी है। द्वारपाल से उन्होंने कहा जाकर भगवान कृष्ण को सूचित करो कि चारों कुमारों के पिता चतुर्मुख ब्रह्मा आए हैं। अब थोड़ा सा रेफरेंस आया, बच्चे बड़े फेमस हैं इनके, चार कुमार इतने फेमस हैं कि जैसे ब्रह्मा जी की एक परंपरा है, वैसे ही चार कुमार की एक परंपरा है। पिताजी और बेटों ने अलग अलग परंपरा चलाई है भगवान कृष्ण को भजने की। तो उन्होंने बोला जी पिताजी के बच्चों के नाम से जानने के चार कुमार तो फेमस हैं इसी ब्रह्मांड में, ऐसा तो नहीं है चार कुमार हर ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा चार कुमार हैं और चतुर्मुख मेरे हैं, तो मैं वो ब्रह्मा हूँ। कृष्ण जाने या द्वारी बाहरे लैया गेला, कृष्ण रचरण ब्रह्मा दंडवत कैला। तब द्वारपाल ने भगवान कृष्ण से ब्रह्मा का विवरण बतलाया और भगवान कृष्ण ने उसे आज्ञा दी कि अच्छा आप समझ में आया, आने दीजिए, अंदर आने दीजिए। द्वारपाल ब्रह्मा को भीतर ले आया। अब भगवान एक्चुअली में परीक्षा ले रहे थे ब्रह्मा जी की, उनको उनके उनके चक्षु खोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा गर्वित होने की आवश्यकता नहीं है, इवन ब्रह्मा भी जो करता है वो कृष्ण की शक्ति से ही कर पाता है। लेकिन जैसा हम बताते हैं अक्सर कि हम भूल जाते हैं कि ये शक्ति भगवान से आ रही है। भगवान बोलते हैं कि जो जठराग्नि है, जठराग्नि जिसे हम पाचन करते हैं खाने को, वो मैं हूँ। कई व्यक्ति बहुत ही हट्टे कट्टे मुष्टंडे बन जाते हैं, बड़े ताकतवर बन जाते हैं, लगता है कि हम सब कुछ हैं। अब सिंपली उनकी जठराग्नि को बंद कर दी जाए बस इतना सही, हाँ तो सब समाप्त है, उनकी सारी एनर्जी ख़त्म। तो इस प्रकार से जो मूल कारण है हमारी शक्तियों का, हमारी स्किल का, हमारी इंटेलिजेंस का, जिसके प्रति बड़े हम गर्वित होते हैं कई बार, ओ हाउ इंटेलिजेंट आई एम, आई गॉट द बेस्ट पैकेज, आई गॉट द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, मुझे गूगल में बहुत सीनियर पोजीशन पर दे दिया गया है, आदमी बड़ा अपने आप को मानने लगता है। लेकिन वास्तव में वो बुद्धि भी देने वाले भगवान हैं, हम कितने अल्पज्ञ हैं समझ नहीं पाते हैं। तो ब्रह्मा जी का ये जो मन में इस तरह का भावना आ जाए, भगवान जो है गुरु का भी यही कार्य होता है कि कहीं शिष्य के अंदर कोई अनवांटेड अभिमान ना आ जाए, क्योंकि धीरे धीरे अभिमान आने लगता है जैसे जैसे हम पुराने होने लगते हैं। ये बड़ी सबके लिए लागू है ये बात, सब अपने हृदय में इसको झांक सकते हैं। जैसे जैसे हम पुराने होते हैं हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस कैजुअल नेचर में बदल जाता है, और हम बात करते करते ये नहीं समझ पाते हैं कि हम गुरु से बात कर रहे हैं। कभी कभी हम गुरु को समझाने लगते हैं, नहीं नहीं आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं, आप मेरी बात समझिए ना, मेरी बात समझ नहीं रहे हैं आप बताइए। गुरु को हम बोल रहे हैं कि आप हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। भगवान जो है गुरु को साक्षात अपनी शक्तियाँ प्रदान करते हैं, गुरु आपके बताने से पहले ही बहुत कुछ समझ चुका होता है, लेकिन हम ही नहीं समझ रहे होते हैं बिकॉज ऑफ ईगो एंगर, और हम कई बार वाद विवाद करने लगते हैं, नहीं नहीं आप हमें समझ नहीं रहे हैं, आप उन्हीं की तरफ तारीफ़ कर रहे हैं, आप उन्हीं को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, आप हमारी बात तो सुन ही नहीं रहे हैं, कई चीज़ें हो सकती हैं। तो गुरु को पता होता है, और जो शिष्य शरणागत है वो समझ भी जाता है कि हाँ मुझे करेक्ट किया जा रहा है। तो ब्रह्मा जी एक वास्तव में एक शरणागत शिष्य हैं। ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति के हृदय में भी कुछ आ सकता है, ईगो आ सकती है, तो भगवान वो करेक्शन का काम यहाँ पर कर रहे हैं, तो इसलिए इतना जांच पड़ताल कर रहे हैं। वास्तव में तो भगवान जानते हैं बाहर कौन आया है, तो उनको भीतर लाया गया और द्वारपाल ब्रह्मा को भीतर लाए। और जब ब्रह्मा जी जैसे ही भीतर आए तो उन्होंने कृष्ण को देखा और उनके चरण कमलों पर एकदम से नमस्कार किया। कृष्ण मान्य पूरा पूजा करी तारे प्रश्न कैला, कीला गीतो मारा यहाँ आगमन हिला। अब देखिए ब्रह्मा जी इतना ही गोष्ठी नहीं हुआ कि गुरु को प्रणाम न करें, यानी कि ये सटल रूप में हमारे हृदय में आ जाता है, ऊपरी रूप से हम प्रणाम कर रहे होते हैं,
हम बोल रहे होते हैं हम आप ही के लिए हैं, हम आप ही की सेवा करेंगे, लेकिन आंतरिक रूप से जैसे मैंने बताया, धीरे धीरे पुराने होने के कारण, चीज़ों का पता लगने के कारण, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस और एक ओवर कॉन्फिडेंस और फिर कैजुअल नेचर आ जाता है, यानी कि फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट आ जाता है। इस कारण से कई बार हम ऐसा बिहेवियर कर देते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जानते ही हैं कि उन्होंने ब्रह्म विमोहन लीला में कैसे ग्वाल बालों को छुपा लिया। प्रभुपाद अक्सर बोलते थे, खासतौर पे मायावादियों में होता है कि मायावादी अपने गुरु से सीखते हैं, फिर गुरु के कंधे पे चढ़कर उसको दबा देते हैं और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसा प्रभुपाद ने कई बार परपट्स में लिखा। तो ये एक हमारी कंडीशनिंग है कि जब हम नए नए आते हैं तो हमें लगता है वो मुझे ये भी नहीं पता, मुझे वो भी नहीं पता, तो बड़े हम्बल बने रहते हैं। जैसे जैसे हमें चीज़ों का पता लगता है, हमारे अंदर ये एक, मैं इसको अहंकार नहीं कहूँगा, क्योंकि आप अहंकार कहेंगे, मेरे अंदर तो अहंकार नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस समझिए, कॉन्फिडेंस समझिए, चलिए कॉन्फिडेंस भी आ जाता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस। जैसे कि प्रारंभ में हमें बोला जाए कि आपको मृदंग बजाना है, तो हम कहेंगे नहीं नहीं जी, मैं तो कहाँ बजाऊँगा। और धीरे धीरे जब मृदंग बिल्कुल बजाने लगे, अरे आ जाएगा मैं, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे बिना किसी के बोले ही वहाँ मृदंग पड़ा होगा, उठा के बजाने लग जाएंगे, कहीं पर कीर्तन चल रहा होगा, चाहे हम बजाना नहीं भी आता, क्योंकि जस्ट बिकॉज हम पुराने हो गए हैं, हम जाएंगे मृदंग उठाएंगे बजाने लग जाएंगे, करतार उठाएंगे बजाने लग जाएंगे, अब वो हमारी विनम्रता चली जाती है, समाप्त हो जाती है धीरे धीरे। जबकि विद्या से विनम्रता बढ़नी चाहिए, लेकिन देखा गया है कि विद्या से विनम्रता कम हो जाती है। हाँ, क्योंकि विद्या सही रूप में नहीं ली जाती है, विद्या को ज्ञान की तरह लिया जाता है, और वो ज्ञान जो है हमें ये दिखाता है कि आई नो समथिंग, आई नो हु इज चैतन्य महाप्रभु, आई नो ये वृंदावन धाम है, मुझे पता है। पहले पहले जब वृंदावन धाम में गए तो बड़ी कृतज्ञता, ओह ना ये द्वादश आदित्य टीला है जहाँ भगवान लेटे थे, अरे बहुत कृपा है आपकी। धीरे धीरे लोगों के साथ आएंगे, वो पूछेंगे भैया ये क्या है, अच्छा ये क्या है, मैं बताता हूँ, इधर आओ, ये द्वादश आदित्य टीला है। हाँ, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये नॉलेज से विनम्रता आने की बजाय, वो ज्ञान आने की वजह से हमारे अंदर ये एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, और ये कॉन्फिडेंस वास्तव में समाप्त कर देता है। हमें कभी भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, हमें ओनली कृष्ण पर, गुरु पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ, अपने पर कॉन्फिडेंस का कोई मैटर ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी स्थिति क्या है, एक सेकंड में ये चिंगारी बुझ जाएगी, जैसे ये गुरु और कृष्ण से अलग होगी, इसका फड़फड़ाना बंद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमेशा हम्बल स्टेट में बने रहें, इस कॉन्फिडेंस को छोड़ देंगे, नाउ आई नो कि व्हाट इज वृंदावन, नाउ आई नो, ओ मायापुर, हाँ समझ में आ गया, यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर आश्रम है, यहाँ पर ऐसे बुकिंग होती है, तो हम भी आ सकते हैं, अब हम आ जाएंगे, अब क्या ज़रूरत है किसी की। धीरे 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 दीक्षा भी होती है, हाँ आप तो पता है, ये भी दीक्षित हैं, हम भी दीक्षित हैं, क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। तो बहुत तरह के, तो यहाँ पर इसी ब्रह्म को तोड़ने के लिए भगवान ये लीला कर रहे हैं ब्रह्मा जी के साथ। कृष्ण माँ ने पूजा करी तारे प्रश्न कैला, कीला गीतो मार यहाँ आगमन हिला। ब्रह्मा द्वारा पूजा किए जाने के बाद भगवान कृष्ण ने भी उपयुक्त शब्दों से उनका सम्मान किया। क्या भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा, आप यहाँ किस लिए आए हैं, कैसे आना हुआ आपका? तो ब्रह्मा कहे, ताहा पाछे करीब निवेदन, एक संशय मने हया करह छेदन। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि यह तो मैं बाद में बताऊंगा कि मैं किस लिए आया हूँ, कि पहले मेरे मन में एक संदेह आ गया है, क्या आप उसको दूर करेंगे प्लीज़, मैं चाहता हूँ आप इस संदेह को दूर करें। तो कौन ब्रह्मा, पूछ ले तुम ही कौन अभिप्राय, आमा भई जगत आरे कौन ब्रह्मा है। आपने क्यों पूछा कि कौन सा ब्रह्मा मिलने आया है, इस प्रश्न का वो समझ नहीं आया, क्या मतलब इस प्रश्न का, क्या इस ब्रह्मांड के में कोई और भी कोई ब्रह्मा है क्या? शुनी हासी कृष्ण तब करी ले न ध्यान, असंख्य ब्रह्मार गण आईला तत् क्षण। कृष्ण ये सुनकर बड़े मुस्कुराए और ध्यान मग्न हो गए, और जैसे ही ध्यान मग्न हो गए, एक तरह से कृष्ण ने ध्यान में सारे ब्रह्मा जी को कॉल किया। भगवान को कॉल करने के लिए मोबाइल नहीं उठाना पड़ता है, नंबर डायल नहीं करना पड़ता है, भगवान ने ऐसे ध्यान किया, ओ यस प्लीज़ कम ऑल ब्रह्माज, प्लीज़ कम हेयर। हाँ, और देखते ही देखते वहाँ सारे असंख्य ब्रह्मा आ गए। अभी उत्तर नहीं दिया है ब्रह्मा जी का, 10-20 शत सहस्त्र अयुत लक्ष वदन, कोटर बुद्ध मुख कारो नाया या गणन। इन ब्रह्माओं के शिरों की संख्या भिन्न भिन्न थी, किसी के 10 सिर थे, किसी के 20 थे,
किसी के 100 थे, किसी के 1000 थे, किसी के 10000 थे, किसी के 1 लाख थे, 1 करोड़ थे, अर्बुद शीर थे, उनके मुखों की गणना, संख्या की गणना कोई नहीं कर सकता। तो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ब्रह्मांड जिसको मैनेज कर रहे थे उसके अनुसार उनके सिर थे। तो ब्रह्मा जी के सिर जो है कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है कि 4 सिर निकलाए, हाँ बिल्कुल सोच समझ के बनाए गए। इतना बुद्धि की आवश्यकता है ब्रह्मा बनने के लिए कि उन्हें 4 सिर की आवश्यकता पड़ती है हमारे ब्रह्मांड को मैनेज करने के लिए। हमारा ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं ये सबसे छोटा ब्रह्मांड माना जाता है, सबसे छोटे ब्रह्मांडों में से एक है। वास्तव में ब्रह्मांड बहुत बड़े हैं और ये बात अब साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि हमारी गैलेक्सी है वो सबसे छोटी है और ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी जो इससे बहुत विस्तृत है, बड़ी है। तो किसी के 10 थे। अब आप कहते हैं आपने तो रावण ही सुना था 10 सिर वाला, इतना भयंकर आदमी जिसके सर काटने मुश्किल हो गया था। आप सोचिए ब्रह्मा जी की ताकत, कहीं 1000, कहीं लाख, कहीं 1 करोड़, जैसे जैसा ब्रह्मांड है वैसे वैसे उनके सर हैं। रुद्र गण आइला लक्ष कोटि वदन, इंद्र गण आइला लक्ष कोटि नयन। और वहाँ अनेक शिव भी आ गए। हाँ ब्रह्मा जी अपने अपने टीम मेंबर्स को लेके आए। हाँ कंपनी का जो मालिक मतलब डायरेक्टर साहब आए, डायरेक्टर साहब साथ में कई लोगों को लेके आ गए, मार्केटिंग हेड को ले आए, फाइनेंस हेड को ले आए। तो इस तरह से वहाँ पे शिव भी आए और जिनके विविध सर थे, शिव के भी मल्टीपल सर थे, सुनिए। इंद्र भी आ गए और इनके भी शरीरों में लाखों करोड़ों आंखें थी। तो कहा जाता है कि स्वर्ग का राजा इंद्र बड़ा कामी है। एक बार उसने एक महर्षि की पत्नी के साथ संभोग किया, किंतु जब महर्षि की पत्नी को, महर्षि को इसका पता चल गया तो उन्होंने कामी इंद्र को श्राप दिया कि उनके शरीर भर में योनियां हो जाएं। और इंद्र अत्यंत लज्जित होकर उस महर्षि के चरण कमलों पर गिर गया और क्षमा मांगने लगा। ध्यान रोकर महर्षि ने योनियों को आँखों में परिणित कर दिया, इसलिए इंद्र के सारे शरीर में लाखों करोड़ों आँखें हैं। जिस तरह ब्रह्मा तथा शिव के अनेक शर हैं उसी प्रकार इंद्र की अनेक आँखें। काम का जो निष्कर्ष है बड़ा गंदा निकलता है, इससे हमें हमेशा बच के रहना चाहिए। देखी चतुर्मुख ब्रह्मा फापर हईला, हस्ती गण मध्य ये न शशक रहीला। जब इस ब्रह्मांड के चतुर्मुख ब्रह्मा ने एक कृष्ण का इतना सारा वैभव देखा तो हैरान रह गए और उन्होंने अपने आप को अनेक हाथियों के बीच एक खरगोश के समान समझा। ये है हमारा अहंकार, कई बार प्रवचनों से नहीं टूटता है, हमारा अहंकार कई बार टूटता है जब हमारे ऊपर कोई विपदा आती है। जैसे हमने बताया कि हमें जानकारी तो हो ही गई है, माला कैसे करनी है, क्या नियम है, क्या कानून है, धाम कैसे जाना है, बुकिंग कैसे करनी है, बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली गई हैं, धीरे धीरे पता चल जाती हैं। हाँ लेकिन उसके बाद फिर कभी समझाया जाता है कि देखिए ऐसा मत कीजिए, यू हैव टू बी त्रिणादेपी सुनिचैन। वो कहता हाँ प्रभु जी हम हैं त्रिणादेपी सुनिचैन। आदमी अंदर से अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाता है, जबकि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब उसको ये साबित हो जाए कि ही इज़ नथिंग। और लाइफ में कई बार भगवान की कृपा से ऐसी सिचुएशन आती है कि व्यक्ति बेबस हो जाता है और तब उसको ध्यान में आता है नहीं नहीं ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो ऐसी सिचुएशन ना आए तो अच्छा है, हमारे जीवन में हमेशा हम पहले से ही हम्बल बने रहें, चाहे कितनी भी जानकारी हो जाए, कितना भी हमें नॉलेज है, ज्ञान हो जाए, हम यही सोचें कि वी आर नथिंग, दिस इज़ ऑल कमिंग फ्रॉम द गुरु परंपरा, हम एक उनके सर्वेंट है, एक तुच्छ सर्वेंट है। हमें दुत्कारा जाना चाहिए, हमें बात बात पे हमें टोका जाना चाहिए, तभी मेरी चेतना सही रहेगी, नहीं तो मैं बिगड़ जाऊँगा, है कि नहीं। तो इसलिए ब्रह्मा जी को ये ज्ञान तब हुआ जब उन्होंने इतना ऐश्वर्य देखा, तब उन्हें रियलाइज हुआ अरे मैं तो खरगोश के समान हूँ, मैं अपने आप को समझ रहा था पता नहीं क्या। आसी सब ब्रह्मा कृष्ण पाद पीठ आगे, दंडवत करीते मुकुट पादे पीठे लागे। जितने भी ब्रह्मा कृष्ण को मिलने आए उन सब के सब ने उनके चरण कमलों में नमस्कार किया, और जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके मुकुटों ने भगवान के चरण कमलों का स्पर्श किया। तो जितने भी ब्रह्मा जी आए थे, अब हम मेरा 4 सर हैं तो मैं 4ों सर से प्रणाम करूँगा, मेरे 8 सर हैं मैं तो 8ों सरों से प्रणाम करूँगा। तो इसका मतलब घूम घूम के ब्रह्मा जी को बड़ी दिक्कत होती है ना प्रणाम करने में, इतने सारे सर हों तो उनके जब सर से वो प्रणाम कर रहे थे तो उनके मुकुट भगवान के चरणों पर लगने लगे, टक 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 की आवाज़ें होने लगी चारों तरफ से। कृष्णेर अचिंत्य शक्ति लखिते केह नारे, यत ब्रह्मा तत मूर्ति एक ईशरे शरीरे। भगवान कृष्ण की अचिंत्य शक्ति का कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता, वहाँ जितने ब्रह्मा थे सभी कृष्ण के एक ही शरीर में स्थित थे। अब सोचिए कितना ऐश्वर्य होगा भगवान का, कितने ब्रह्मा जी वहाँ मौजूद हुए। और ये केवल भौतिक जगत है, भौतिक जगत तो वैसे ही नगण्य है वास्तव में,
आध्यात्मिक जगत के सामने, और बहुत ही जगत ही कितना विस्तृत है। पाद पीठ मुकुटाग्र संघटे उठे ध्वनि, पाद पीठे स्तुति करे मुकुट हे न जानी। जब सारे मुकुट कृष्ण के चरण कमलों पर एक साथ टकराए तो तुमुल ध्वनि उत्पन्न हुई। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं मुकुट कृष्ण के चरण कमलों की स्तुति कर रहे हो। टन 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 टन, चारों तरफ से घंटी बज गई मुकुटों के टच होने की, बार बार फर्श पे भगवान के आगे। योड़ हाते ब्रह्म रुद्रादि करे स्तवन, बड़ कृपा करीला प्रभु देखा ही चरण। हाथ जोड़े सारे ब्रह्मा शिव कृष्ण की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आपने हम पर बड़ी कृपा करी है, हम आपके चरण कमलों का दर्शन पाने में समर्थ हो सके। तो ये इनकी चेतना अभी ठीक है सबकी, इतना मतलब विशाल और इतना बुद्धि और इतना बल होने के बाद भी ये क्या करें, आपने हम पर बड़ी कृपा करी। इसलिए अपने इतिहास को याद रखने से आदमी हमेशा ग्रेटफुल रहता है। इफ़ यू वांट टू रिमेन ग्रेटफुल, हमेशा अपना इतिहास याद रखिए कि हम कितने पाप करें। हम सब ने अनंत पाप किए होंगे, आँख बंद करेंगे तो बचपन से लेके अब तक अनंत पाप देखेंगे। वास्तव में जितना प्यूरिफिकेशन होगी उतने पाप देखेंगे कि हाँ हमने ये भी किया था, हमने ये भी किया था। तो ये ध्यान रहने से ग्रेटफुलनेस रहती है। तो एक बार आपने हम पर बड़ी कृपा करी है, आपके चरण कमलों का दर्शन पाने में हम समर्थ हो सके। भाग्य मोरा बोला इला दास अंगिकारी, कौना ग्या हया ताहा करी शिरे धरी। तब सबने कहा यह मेरा परम सौभाग्य कि आपने मुझे अपना दास समझकर बुलाया। अब बताएं कि आपकी आज्ञा क्या है जिसे मैं शिरोधार्य करूं। तो सब लोग भगवान की जस्ट एक इशारे पर आ गए थे, किसी को मालूम नहीं था कि भगवान ने बुलाया क्यों है। हाँ, तो बुलाया तो बड़े प्रसन्न भी हुए कि आपने हमें, ऐसे नहीं कि हमें बुलाते रहते हो मतलब मैं काम है कोई बताओ। दास को प्रभु के दर्शन करने से आनंद आता है, मिलना चाहता है। और उसको ये नहीं लगता कि एक बार ही बता दो ना, चार पांच बार हर बार क्यों बुलाते हो। तो एकदम से वो आ गए थे, काम बताया नहीं गया था, अब पूछ रहे हैं क्या आप कोई सेवा है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कृष्ण कहे तोमा सभा देखी ते चित्त हिला, तहाँ लागी एक ठाई सभा बोला इला। भगवान ने बोला, कृष्ण ने बोला कि मैं तुम सबको एक साथ देखना चाहता था, इसलिए मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया। देखने का मन था, सबसे मिलने का मन था। सुखी हो सब किचु नाही दैत्य भाया, तारा कहे तोमार प्रसादे सर्वत्र ई जया। तुम सब सुखी तो हो, ठीक तो हो, कोई असुरों ने तंग तो नहीं कर रखा तुम्हें, कोई असुर फिर से कोई वरदान पाकर तुम्हें तंग तो नहीं करने लगा। हाँ ब्रह्मा जी, उन्होंने उत्तर दिया आपकी कृपा से हम सर्वत्र विजयी होते हैं, आपकी कृपा से विजयी होते हैं, आपके आशीर्वाद से हम विजयी होते हैं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। संप्रति पृथ्वी वेते ये बा हेरा छील भार, अवतीर्ण हया तारा तहाँ करीला संहार। पृथ्वी पर जो भी कुछ भार था वो आपने उसी ग्रह पर अवतरित होकर दूर कर दिया है, आप ही तो कर रहे हैं दूर, असुर तो आते ही रहते हैं। आप इतने दयालु हैं ब्रह्मा जी, एक तरह से कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरे हर दिन में एक बार आप आते हैं। हाउ मर्सीफुल कृष्णा इज। जनरली तो हमें जाना चाहिए उनके पास, लेकिन वो इतने मर्सीफुल हैं कि मेरे हर दिन एक बार ब्रह्मा जी के घर में आ जाते हैं, और ब्रह्मा जी के घर में आके साफ सफाई कर जाते हैं सारे असुरों को मार पीट के, फिर चले जाते हैं। फिर आप ही की कृपा से सब शांति है। द्वारकादि विभूतार यही त प्रमाण, हमारे ही ब्रह्मांडे कृष्ण सबारे हई लज्ञान। ये द्वारका के वैभव का प्रमाण है। सारे ब्रह्माओं ने सोचा अभी कृष्ण मेरे क्षेत्र में विराजमान है, सभी को ऐसा लग रहा है यहाँ पर अभी कि कृष्ण उनके क्षेत्र में है। हाँ, जैसे कि इस वक्त अभी एक पर्टिकुलर द्वारका में है ना, एक ब्रह्मांड के, तो सबको यहाँ उस वक्त ये फील हो रहा था कि भगवान इस वक्त मेरे ब्रह्मांड में आए के द्वारका बना के वहाँ पर रह रहे हैं। कृष्ण सह द्वारका वैभव अनुभव हैला, एकत्र मिलेन केह कहो ना देखिला। और इस तरह हर एक ने द्वारका के वैभव को देखा, यद्यपि वो सभी वहाँ एकत्र थे किंतु किसी ने अपने सिवा अन्य किसी को नहीं देखा। सबको यही पता है कि मैं आया हूँ और कृष्ण मेरे से बात कर रहे हैं और मैं ही प्रणाम कर रहा हूँ, लेकिन वो जो ब्रह्मा जी थे जिनको जिनको टेस्ट किया जा रहा था, जिनको ठीक किया जा रहा था, उन ब्रह्मा जी को ये सब दिख रहे थे। बाकियों को केवल वही व्यक्ति दिख रहा था, और वो सोच रहा था भगवान मेरे धाम में है, मतलब मेरे ब्रह्मांड में है। तो सबने उस द्वारका के ऐश्वर्य को देखा भगवान के, और चतुर्मुख ब्रह्मा ने द्वारका धाम का वैभव देखा जहाँ कृष्ण रह रहे थे। यदि भी वहाँ से 10 से लेकर करोड़ सिर वाले ब्रह्मा थे, यदि भी अनेक शिवजी भी थे, किंतु उस ब्रह्मांड के चतुर्मुख ब्रह्मा ने ही उन सबको देखा।
ये भगवान की शक्ति थी। सारे ब्रह्मा और शिव वहां पर एकत्र थे, किंतु कृष्ण की शक्ति के कारण वे परस्पर एक दूसरे को ना मिल सके ना एक दूसरे से बातें कर सके। तब एक कृष्ण, थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना, सामने भी एक शिव जी खड़े हैं, यहाँ भी एक शिव जी खड़े हैं, दोनों बोल रहे अरे शिव तुम शिव मैं कैसे, हाँ तो कितना कन्फ्यूजन हो जाता है चारों तरफ, चारों तरफ ब्रह्मा और शिव एक ही मल्टी रोल साथ 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 खड़े हो गए। जब एक ही व्यक्ति मल्टीपल किरदार करे और एक साथ खड़ा हो जाए तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, तो ऐसा वहाँ हो जाता। तबे कृष्ण सर्व ब्रह्म गणे विदाय दिला, दंडवत हैया सबे निज घर घरे केला। तब कृष्ण ने सभी ब्रह्माओं को विदा किया और वे सब नमस्कार करके अपने अपने घर चले गए। देखी चतुर्मुख ब्रह्मार हैल चमत्कार, कृष्णे रचरणे आसी कैला नमस्कार। इतना सारा वैभव देखकर इस ब्रह्मांड के चारों सिरों वाले ब्रह्मा आश्चर्यचकित रह गए। कृष्ण के चरण कमलों के पास पुनः आए और आकर उन्होंने उन्हें नमस्कार किया। ब्रह्मा बले पूर्वे आमी ये निश्चय करी लूँ, तार उदाहरण आमी आजिता ना दे आजिता देखी लूँ। तो ब्रह्मा कहते हैं इसके पूर्व मैंने आपके अपने ज्ञान के विषय में जो निश्चय किया था उसकी संपुष्टि मैंने आज स्वयं कर ली। मुझे अब समझ में आ गया मुझे कितना ज्ञान है, बहुत ज्ञानी समझ रहा था अपने आप को। इसलिए कहते हैं कि शिष्य हमेशा शिष्य ही बना रहता है, वो गुरु नहीं बन सकता चाहे कितना भी ज्ञान हो जाए उसको। और जीव हमेशा जीव ही रहता है, वो भगवान नहीं बन सकता चाहे कितना ही बलवान हो जाए। जानंत एव जानंतु की बहु कत्या न मे प्रभो, मनसो वचो बपुसो वचो वैभम तब गोचरा। ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि मैं कृष्ण के विषय में सब जानता हूँ, वो भला ही ऐसे सोचते होंगे। जहाँ तक मेरा सवाल है हे भगवान, मैं इस विषय में अधिक नहीं कहना चाहता कि मैं आपको जानता हूँ। हे प्रभु मुझे इतना ही कहने दें कि जहाँ तक आपके ऐश्वर्यों का सवाल है वे सब मेरे मन शरीर और वाणी के पहुँच से बाहर है। ऐसा श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी कहते हैं 10वें कैंटो। कृष्ण कहे एई ब्रह्मांड पंचाशत कोटि योजन, अति क्षुद्र ताते तोमार चारी वदन। कृष्ण कहते हैं अरे ब्रह्मा तुम्हारे जो ब्रह्मांड है ना, ये हमारे ब्रह्मांड की बात हो रही है इस वक्त, तुम्हारा ब्रह्मांड का व्यास 4 अरब मील तक का है, अतः ये सारे ब्रह्मांडों में सबसे छोटा है, इसलिए तुम्हारे केवल 4 सर हैं, 4 अरब मील। 4 अरब मील है ये ब्रह्मांड, आप सोच सकते हैं कितना है। इस ब्रह्मांड की परिधि है और कुछ लोगों के अनुसार केवल आधी परिधि है। अपने काल के सबसे बड़े ज्योतिर्विद श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर ने सिद्धांत शिरोमणि के आधार पर यह जानकारी दी है कि इस ब्रह्मांड का माप कुछ लिखा है, बहुत बड़ी संख्या, इतना मील है और यह इस ब्रह्मांड की परिधि है। कौन ब्रह्मांड शत कोटि, कौन लक्ष कोटि, कौन नियुत कोटि, कौन कोटि कोटि। कुछ ब्रह्मांड व्यास में 100 करोड़ योजन है, कोई 1 लाख करोड़ योजन है, कोई 10 लाख करोड़ योजन है, कोई कोई 1 करोड़ करोड़ योजन है। इस तरह उनका क्षेत्रफल लगभग अनंत है और ये सारा भी 1/4 है, 1 पाद विभूति, उसके बाद 3 पाद विभूति अलग है आध्यात्मिक जगत। 1 योजन 8 मील के बराबर होता है प्रभाव का। ब्रह्मांडानुरूप ब्रह्मार शरीर वदन, एई रूपे पाली आमी ब्रह्मांडे रगण। ब्रह्मांड के आकार के अनुसार ही ब्रह्मा के शरीर में इतने सर होते हैं, इस तरह मैं असंख्य ब्रह्मांडों का पालन करता हूँ। असंख्य ब्रह्मांडों का पालन करने वाले वो वही भगवान है, उन्हीं की वजह से वो चल रहा है। अपेरेंटली हमें लगता है कि हम चला रहे हैं, हम नहीं होंगे तो ये गिर जाएगा, मैं ये सेवा नहीं करूँगा तो ये सेवा ठप हो जाएगी, ये डिपार्टमेंट बैठ जाएगा, प्रचार रुक जाएगा, इत्यादि इत्यादि, लोगों की केयर करनी बंद हो जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह। वास्तव में हर चीज़ के पीछे भगवान का आशीर्वाद होता है यदि हम विनम्र रहते हैं, समर्पित रहते हैं, नियमों का पालन करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। तो भगवान कह रहे हैं मैं ही अल्टीमेटली ब्रह्मांडों का पालन करता हूँ। 1 पाद विभूति इहार ना ही परिमाण, 3 पाद विभूति रखे ब करे परिमाण। जब इस 1/4 जगत भौतिक जगत को नाप नहीं पा रहे हैं हम लोग, कितना इसका टोटल जगत की संख्या कितनी है, टोटल कितने ब्रह्मांड है, टोटल कितना एरिया है, जब यही नहीं नाप पा रहे हैं तो आध्यात्मिक जगत में प्रकट होने वाली मेरी 3/4 शक्ति को कौन माप सकता है। इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, उसको करा ही नहीं जा सकता है। तस्या पारे पर व्योम 3 पाद विभूतम सनातन
अमृत शाश्वतम नित्यम अनंतम परम पदम। विरजा नदी के उस पार आध्यात्मिक प्रकृति है जो अविनाशी है, शाश्वत है, अव्यय है, असीम है। यह वह परम धाम है जिसमें भगवान का 3/4 वैभव है। यह परव्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश कहलाता है। परव्योम आध्यात्मिक आकाश। तबे कृष्ण ब्रह्मा रे दिले न विदाय, कृष्णे रविभूति स्वरूप जाना न आया। और इस तरह ब्रह्मा जी की आंखें खोलने के बाद चतुर्मुख ब्रह्मा को भगवान ने विदा किया। और इस तरह हम समझ सकते हैं कि कृष्ण की शक्ति के परिमाण की कोई भी गणना नहीं कर सकता है। और इस तरह से उन्हें समझ में आया। अब क्या हमारे साथ भी ऐसी कोई सिचुएशन घटना होनी चाहिए तभी हमें समझ में आना चाहिए? हम समझदार व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि हम सूक्ष्म हैं, तीर्ण तीर्णक से नीचे हैं, और यही हमारी पोजीशन है और इसी में बने रहना है। ना तो किसी अपने सीनियर से आगे बड़ा बनने की कोशिश करनी है, तो भगवान और ब्रह्मा और इन लोगों की तो बात क्या करें। सूक्ष्म बने रहने से हमारे पर कृपा मिलती है हमें। त्रियधीश्वर शब्देर अर्थ गुण आर्य है, त्रिशब्दे कृष्ण तीन लोक काय। त्रिधीश्वर शब्द का अर्थ अत्यंत गुण है। तो यह बताता है कि कृष्ण के अधिकार में 3 विभिन्न लोकों की प्रकृतियां हैं। त्रियधीश्वर मतलब तीनों लोकों के स्वामी, कृष्ण इन तीनों लोकों के स्वामी हैं। भगवद्गीता में भगवान बताते हैं कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वरम, कि पूर्ण रूप से मेरी चेतना में अवस्थित व्यक्ति मुझे सारे यज्ञों का, मुझे सारी तपस्याओं का चरम लक्ष्य मानता है तथा मुझे को समस्त लोकों का, देवताओं का परमेश्वर मानता है। सारे जीवों का शुभ चिंतक मैं हूँ, उपकारी हूँ। और सारे भौतिक कष्ट ऐसा समझने वाला व्यक्ति सारे भौतिक कष्टों की पीड़ा से मुक्ति प्राप्त करता है। तो सर्व लोकों का अर्थ है तीनों जगत। महेश्वर शब्द का अर्थ है परम स्वामी, सुप्रीम। कृष्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगत के स्वामी हैं। आध्यात्मिक जगत के 2 विभाग हैं, गोलोक तथा वैकुंठ। तो भौतिक जगत अनंत ब्रह्मांडों का संयोग है। और तीनों लोक जब बोलते हैं तो समझ लीजिए सारा का सारा आ गया संसार इसमें। गोलोकाख्य गोकुल मथुरा द्वारावती यही 3 लोक कृष्ण सहज नित्य स्थिति। लोक 3 हैं, गोकुल, गोलोक, मथुरा तथा द्वारका। कृष्ण इन्हीं 3 स्थानों में शाश्वत निवास करते हैं अपने ओरिजिनल गोविंद रूप में। अदरवाइज अपने विष्णु रूप में, अपने अवतारों के रूप में वो अलग अलग लोकों में हैं, लेकिन अपने इस ओरिजिनल रूप में वो मथुरा, गोकुल और द्वारका में रहते हैं। और इन लोकों में भी कृष्ण तो वही स्वरूप वही है, लेकिन भाव बदल जाता है। जैसे कि विष्णु का तो स्वरूप ही बदल जाता है, कृष्ण गोकुल में हो चाहे मथुरा में चाहे द्वारका में एक ही स्वरूप है, लेकिन भाव बदल जाता है जगह के अनुसार। तो इन 3 स्थानों में वो शाश्वत निवास करते हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि गोलोक ग्रह के 3 विभाग हैं, यही 3। कृष्ण अपने श्री चैतन्य महाप्रभु या गौर सुंदर अवतारों में जिन 3 क्षेत्रों में लीलाएं करते हैं वे नवदीप, जगन्नाथपुरी तथा व्रजमंडल, यहाँ पर अपने अंतरंग लीलाएं करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के विषय में बहुत ही ऐसी बातें हैं चैतन्य महापुरुष बता रहे हैं जो साधारण व्यक्ति जान ही नहीं सकता। ऐसी कथाएं जो कि कहीं किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी, वो चैतन्य चरितामृत में हमें मिल जाती है, जैसे अभी अभी हमने सुनी। क्योंकि ये हम बड़े लकी हैं कि स्वयं चैतन्य महापुरुष भगवान बन के आ रहे हैं और ये ज्ञान हमें दे रहे हैं जो अदरवाइज इम्पॉसिबल था हम लोग को समझना। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत की जय, शिल प्रपात की जय, कृष्णदास कविराज की जय।